हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर मधुमती के रियल किस्से के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। दिलीप कुमार अपने दौर के सुपरस्टार कहलाते थे। उन्होंने आज से लगभग 66 साल पहले एक मूवी में काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई थी। साथ ही फिल्म ने अवार्ड जीतने के मामले में एक तगड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था, जिसे टूटने में 37 साल का वक्त लग गया था। दोस्तों दिलीप कुमार अपनी दमदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। दिलीप कुमार भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। आज हम आपको दिलीप कुमार की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका रिकॉर्ड शाहरुख खान ने 37 सालों बाद तोड़ा था। दोस्तों दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी हिट रही है। दोनों सितारों ने 66 साल पहले एक ऐसी फिल्म में काम किया था जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उस मूवी का नाम है मधुमती। वैजयंती माला और दिलीप कुमार की मधुमती साल 1958 में रिलीज हुई थी। इसमें दोनों की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया था और इसके गाने भी हिट साबित हुए थे। बिमल राय के डायरेक्शन में बनी मधुमती फिल्म ने ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार की मधुमती ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी जैसे अवार्ड मधुमती ने अपने नाम किए थे। दोस्तों 37 साल बाद दिलीप कुमार के इस रिकॉर्ड को शाहरुख खान ने तोड़ा था। उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में रिलीज हुई थी, जिसमें किंग खान की जोड़ी काजोल के साथ नजर आई थी। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता साबित हुई और साथ ही दिलीप कुमार की मधुमती का रिकॉर्ड भी टूट गया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों दिलीप कुमार की मधुमती महज 81 लाख रुपए में बनी थी। मधुमती ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की और साथ ही उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।